नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगा साइंस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे 8 और 9 दिसंबर करंट अफेयर के एमसीक्यू जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, पीआईबी से, इंडियन एक्सप्रेस से। समय हो रहा है सुबह के 5:56। चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो वीडियोस हैं और जो पीडीएफ्स हैं उन डाले टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी आईडी है क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। हमने क्रैकर्स आईएएस के नाम से एक ग्रुप बनाया है दोस्तों, जहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं एमसीक्यूज को, उन्हें ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, हम लोग देते हैं आपको 4 सवाल रोज, जिसका आपको आंसर देना होता है। हमारा पहला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बीपीएल हाउसहोल्ड। जो बीपीएल हाउसहोल्ड हैं उनके महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलता है कौन से स्कीम के तहत? उदय ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला स्कीम, सौर सुजला योजना। सवाल नंबर दो ये है कि कौन से मंत्रालय के अधीन आता है एमपी लैड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत जो हमारे एमपीज हैं उनको एक राशि दी जाती है अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। सवाल नंबर तीन हमारा ये है कि जो सेतु भारतम प्रोजेक्ट है उनके बारे में हमने आपको दी है दो बातें। इट सीक्स टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास ब्रिजेस अक्रॉस ऑल रिवर्स स्पेशली इन रिमोट रीजन्स। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस इनिशिएटिव। दोनों में से कौन सी बात है सही है इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पहचानना है। सवाल नंबर तीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इट इज़ रिलीज्ड बाई WEF, वर्ल्ड बैंक, IMF, नन ऑफ द अबव। ये हैं आपके 4 सवाल जिसका आंसर देना है। तो सेतु भारतम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अगर कुछ ना रहा हो तो आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं, फिर आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए अब देखते हैं अपने कल के सवालों को। कल का हमारा पहला सवाल ये था, हमने दिया था आपको जो फेस्टिवल्स हैं वो और राज्य हैं वो। जल्लीकट्टू क्या मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में? जल्लीकट्टू आंध्रा का नहीं, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, मेरा पहला यहाँ पर गलत हो गया। कम्बाला, कम्बाला कर्नाटका का है क्या? कम्बाला जो है वो एक बुफेलो रेस फेस्टिवल है जो कर्नाटका का ही है, मेरे यहाँ पर सेकंड सही है। लोहरी तो आपको पता है ही पंजाब का है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो एक जो होता है ना बोनफायर, वो जलाते हैं, उसके चारों तरफ लोग आते हैं बैठते हैं, मेरे यहाँ पर थर्ड जो सही है। आंसर क्या हुआ? सी, 2 और 3 आर करेक्ट। अब देखो, यहाँ पर जो कम्बाला है और जो जल्लीकट्टू है, दोनों में जो जानवर हैं इनका इस्तेमाल होता है, तो जो राज्य सरकारें हैं ना वो जो एट्रोसिटीज़ ऑन एनिमल एक्ट है उसको ये लोग अमेंड करते हैं और इन सब एनिमल को अलाउ करते हैं कि हाँ आप इन एनिमल को स्पोर्ट्स में जैसे कि शामिल कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से जो पॉलिटिक्स होती है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है चीज़ें। अगला हमारा सवाल था, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट इन्हें कौन निकालता है? इसे निकालता है यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रहेगा ये यूएन की बॉडी है और इसे निकालता है। अगला हमारा सवाल था कि इनमें से कौन सी गुफाओं में, जैसे कि इनमें से कौन सी जगह में जो म्यूरल पेंटिंग है आपको देखने को मिलती हैं। म्यूरल पेंटिंग वो पेंटिंग होती है जो दीवालों पर रंगी जाती हैं, इनकी पेंटिंग होती है दीवालों पर, ठीक है ना। अजंता केव यहाँ मिलेगा आपको, जो लिपाक्षी टेम्पल है यहाँ पर आपको मिलता है जो म्यूरल पेंटिंग है वो वाला। कैसे पता कहाँ से सवाल ये वाला फ्रेम किया गया? ये सवाल फ्रेम किया गया है 11th की जो फाइन आर्ट्स की किताब आती है ना उससे। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको ये जो किताब है 11th की NCERT, ये मस्ट पढ़नी है। इससे हर साल UPSC में क्वेश्चन आता है, पतली सी बुक है मगर हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से। इसके जो फिगर्स होते हैं ना, जो फोटो है इस किताब में, वो देखिएगा ध्यान से आप। आंसर क्या हुआ हमारा? 1 और 2, जो अजंता है, जो लिपाक्षी टेम्पल है, दोनों मिलता है। सांची के स्तूप पर कोई भी जो म्यूरल पेंटिंग है वो नहीं पाई जाती है। हाँ, इनके जो तोरण द्वार है ना वहाँ पर हमको जो कुछ नक्काशी हुई देखने को मिलती है। ये हमारा है स्तूप, इसके 4 गेट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तोरण, ठीक है, एक पीछे भी होगा। चलिए, बोधगया में भी स्तूप है। बोधगया जैसे कि देखो, यहाँ पर हर 12 साल में एक वो होता है महाकाल चक्र पूजा होता है बोधगया में, और यहाँ पर हर साल दलाई लामा आते हैं। तो अगर आपको बोधगया घूमने का मतलब अगर इच्छा है कोई, मतलब जैसे कि मन है, तो आप आ सकते हैं। और सबसे अच्छा समय होता है जो दिसंबर का महीना है और जो जनवरी का महीना है ये वाला। यहाँ पर काफ़ी सारे जो सैलानी होते हैं देश विदेश से, कोरिया से, जापान से, और जो भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं हमारे, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के, वहाँ से आते हैं। तो आइएगा, अभोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर बसा हुआ है? मिजोरम, पंजाब, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब में है। ये एक ओपन सेंचुरी है, सबसे खास बात इसकी यही है, क्या है, ये एक ओपन सेंचुरी है जहाँ पर फार्मलैंड भी मिलते हैं और जो बिश्नोई, जो मतलब जैसे कि जो है ना कम्युनिटी, इनके लोग पाए जाते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी को इन्वायरमेंट से बहुत लगाव होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं इन्वायरमेंट को, जैसे कि इनको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है ना।
तो हम लोग जो हैं उनको सीखना चाहिए, बिश्नोई जो कम्युनिटी है उनसे, कि कैसे बचाते हैं जो जानवर हैं और जो मतलब जंगल हैं उनको, ध्यान रहेगा। चलिए पेज नंबर 1 हमारा जो द हिंदू का आज का है, नौ दिसंबर का, उसमें दिखा हुआ है सिटीजनशिप बिल टू बी टेबल्ड टूडे। यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं, यहाँ पर जो सिटीजनशिप जो एक्ट 1955 है इसको अमेंड किया जाएगा, और जो धर्म है मतलब कि जो माइनॉरिटी रिलीजियस पीपल हैं हमारे 3 कंट्री में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इनके लोगों को जो भारतीय नागरिकता है वो दी जाएगी। ये जो न्यूज़ देख रहे हैं ये पेज नंबर 1 पे है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या इश्यूज़ है सिटीजनशिप बिल के साथ, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। अच्छा चलिए सिखाते हैं वो कैसे पढ़ना रहता है न्यूज़। ये इसका हेडलाइन है, ये पढ़ लिया आपने, फिर पढ़ते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 क्या करता है ये, इट सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्यों? ये जो है वो सिटीजनशिप देता है किसको? इलीगल नॉन मुस्लिम को जो है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए या उस दिन आए, ध्यान रहेगा। ये बिल करता क्या है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं भारत में उनको ये नागरिकता प्रोवाइड करता है, रियायती जो कंडीशंस हैं उन पर। अगर ये बिल पास हो गया तो जो नागरिकता है वो देश में पहली बार धर्म के आधार पर दी जाएगी, ध्यान रहेगा। इसी कारण से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि ये जो इलाके हैं बांग्लादेश वगैरह से, यहाँ से काफ़ी जो जैसे कि जो बुद्धिस्ट, जो हिंदू वगैरह और जो कई जो धार्मिक लोग हैं वहाँ के बसते हैं इन सब राज्यों में, असम, मेघालय वगैरह में, और वहाँ पर जो मतलब कि जो देखो जो जॉब है उसका लॉस होता है, जो रिसोर्सेज हैं उसका लॉस होता है, तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। द बिल विल नलीफाई द प्रोविजंस ऑफ आसाम एकॉर्ड 1985। पहला इशू क्या था? पहला इशू यह है कि आपको धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू यह है कि आसाम एकॉर्ड का जो प्रोविज़न है वो नलिफाई हो जाएगा। आसाम एकॉर्ड कहता है कि जो भी लोग आके बसे हैं 24 मार्च 1971 के बाद में उनको डिपोर्ट करना है ना, मान लो कि बांग्लादेशी आए हैं 1972 में, तो उनको वापस बांग्लादेश भेजना है। तो अगर आप 2014 का जैसे कि डेडलाइन रखेंगे तो क्या होता है, ये तो आपका नलिफाई हो गया है ना। जो लोग 72 में 73 में 80 में भी आए होंगे उनको भी दे देंगे आप जो सिटीजनशिप है वो वाला, है ना। तो सेकंड नंबर जैसे कि हमारा इशू नंबर 2 हो गया ये वाला। अगला इशू ये है कि ऑल सच माइग्रेंट विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप इफ़ दे केम टू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014, और ऑल द पेंडिंग केसेज अगेंस्ट देम विल बी अबेटेड। ये हमारा तीसरा इशू है, ठीक। सवाल हमारा देखिए किसके बारे में है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में है, क्योंकि इसको हम इसको तो देख लिया हमने इस बिल को। सवाल है, इफ अ पर्सन री अनाउंसेज हिज इंडियन सिटीजनशिप देयर माइनर चिल्ड्रन ऑल्सो लूजेज देयर सिटीजनशिप। जो भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्यागता है तो उसका जो माइनर बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है उसकी भी नागरिकता चली जाती है। मगर ये बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा ना तो इसको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप बनना चाहते हैं भारत का नागरिक, तो वो वहाँ पर चुन सकता है। मेरे यहाँ पर पहला है जो सही है। द अप्लीकेशन फॉर रिनन्शिएशन मतलब त्यागना और टर्मिनेशन खत्म करना ऑफ सिटीजनशिप कैन बी विथहेल्ड इफ इंडिया इज इंगेज्ड इन अ वॉर। मान लो कि भारत किसी वॉर के बीच में है और कोई चाहता है कि हम भारत का नागरिक त्याग दें, तो भारत उसको जैसे कि उसको साथ रोक सकता है, मतलब उसके अप्लीकेशन को। मेरे यहाँ पर सेकंड भी सही है, मेरा यहाँ पर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये प्रोविजन्स हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। चलिए अगला हमारा सवाल है, राजस्थान टूरिज्म मिनिस्टर डिमांड्स बैन ऑन पानीपत। पानीपत जो मूवी है उसमें एक जैसे कि एक राजा है भरतपुर के, महाराजा सूरजमल, इनके बारे में बताया गया है कि वो एक जैसे कि जो लालची राजा थे, वांटेड टू कनकर रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड डिनाइड हेल्प टू मराठा आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 1526 1526 56, याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 3 जो बैटल थे उनके बारे में है, और जो 1761 का जो बैटल है हमारा थर्ड पानीपट वाला, इस पर मूवी बनी हुई है। तो हम करें क्या कि जो तीनों जो बैटल हैं पानीपत की उसको देखेंगे, और जो कुछ और इंपॉर्टेंट बैटल बैटल हैं उनको देख लेंगे। हमें वो दिया है हमारे बैटल और दिया है कि किसके बीच में ये फाइट किया गया था। पहला है बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, क्या बात सही है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अकबर एंड हेमू। ये जो अकबर और हेमू वाला था ना, ये सेकंड बैटल था, 1556 वाला। मेरे यहाँ पर सेकंड गलत हो गया, मैंने क्या किया, 2 2 2,
मेरा ए सी और डी गया, आंसर आ गया क्या, थ्री बी आ गया मेरा, वन एंड थ्री ऑनली आर करेक्ट। बैटल ऑफ खानवा हुआ था जो बाबर था जो इन्वेड कर रहा था भारत में, और जो रांगा सांगा थे मेवाड़ के, उनके बीच में हुआ था। मेरा यहाँ पर थर्ड है जो सही है। बाकी जो बातें हैं मेंशन करिए यहाँ पर। पहला बैटल ऑफ तराइन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जो हरियाणा है वहाँ पर, तराइन का जो टाउन है वहाँ पर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में, ध्यान रहेगा। जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ खानवा 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच में। अब आते हैं तीनों बैटल पर पानीपत के। प्रथम बैटल 1526 बाबर और लोदी के बीच में, सेकंड बैटल 1526 हेमू और अकबर के बीच में, और थर्ड बैटल 1761 हुआ था किसके बीच में, जो मराठा जो एम्पायर है और जो रोहिलाज हैं जो मतलब अमर अब्दाली है उनके बीच में दुरानी एम्पायर के, ध्यान रहेगा। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या है, वन एंड थ्री ओनली आर करेक्ट। ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना, इसने डिसाइड कर दिया कि कौन भारत को रूल करेगा। इसने डिसाइड कर दिया कि जो हमारे मराठा हैं वो भारत को रूल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो क्रीम था, इनकी जो आर्मी का जो टॉप मोस्ट लोग थे वो इस युद्ध में मारे गए थे, और इस तरह से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, वो ब्रिटिश का सामना नहीं कर पाए थे। मुगल को रिप्लेस करने वाले केवल मराठा ही थे जो एलिजिबल थे, बाकी जो यहाँ पर जो वंश थे जो जो मतलब जो मतलब जो थे रूलर, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मराठा कि जो मुगल की जो मुगल है उसको वो रिप्लेस कर पाए, ध्यान रहेगा। अगला सवाल है प्याज पर, क्यों सवाल है आपको पता ही है, नो रिलीफ इन साइट, जो प्याज का दाम है वो 150 रुपये किलो हो गया है। चलिए सवाल है इस पे आपके ओनियन पे, टू इंश्योर इट्स अनइंटरप्टेड सप्लाई थ्रू आउट द ईयर द क्रॉप इज ग्रोन इन 3 साइकिल, खरीफ में भी, राबी में भी और लेट खरीफ में भी इसकी जो पैदावार होती है प्याज की। तीनों बातें जिससे दोनों तीनों सही, यहाँ पे खरीफ में, रबी में और जो लेट खरीफ है वहाँ पर ओनियन का जो पैदावार है वो होता है। मेरा फर्स्ट यहाँ पर सही है। जो प्याज है वो लोग हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश वगैरह में और जो हमारे आजू बाजू जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। खरीफ एंड लेट खरीफ ओनियन क्रॉप कंटेन लार्ज मॉइस्चर कंटेंट। अब चूंकि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट हाई है तो वहाँ पर इसको हम स्टोर नहीं कर पाते। जो राबी क्रॉप है इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। जो अनाज होता है ना, अनाज में अगर 40% से ज़्यादा मॉइस्चर हो, 14 से ज़्यादा मॉइस्चर हो तो अनाज ख़राब हो जाता है, करना क्या होता है, इसलिए हम लोग इसको अनाज को सुखा कर स्टोर करते हैं गोदामों में। मेरा सेकंड यहाँ पर सही है। यूपी इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ओनियन ग्रोइंग स्टेट, यूपी नहीं है, महाराष्ट्र है जो सबसे ज़्यादा जिसे सबसे बड़ा उत्पादक है प्याज का। मेरा यहाँ पर थर्ड गलत हो गया, 3-3-3 हो गया ख़त्म। मेरा आंसर आ गया यहाँ पर ए, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। चलिए अगला हमारा सवाल है जो पीएम किसान है उसके बारे में, ओडिशा रिड्यूसेस फार्मर्स स्कीम असिस्टेंस। देखो एक था रोयत बंधु स्कीम, दूसरा था कालिया स्कीम, ये था ओडिशा का। तो जो कालिया स्कीम है इसको मर्ज कर दिया गया है पीएम किसान स्कीम के तहत। हमने सवाल दिया है आपको इस स्कीम के बारे में। द एनुअल सपोर्ट ऑफ 6000 विल बी पेड डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर इन 3 installments ऑफ 2000 rupees ईच। ये तो पता ही है आपको, जो छोटे किसान हैं उनको मिलेगा 6000 rupees हर साल, ये होगा आपका इनकम सपोर्ट। और इस 6000 rupees को 3 दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में, 2000 rupees करके, ठीक है। कौन सा स्कीम, पीएम किसान स्कीम, मेरा पहला सही है। इट एक्सक्लूड ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, ये जो लैंड होल्डर्स होंगे इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, इनके अलावा काफ़ी सारे जो और लोग हैं इनको पैसा नहीं मिलेगा स्कीम के तहत। ये एक यूनिवर्सल स्कीम नहीं है। कब होता यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल तब होता जब बिना किसी क्राइटेरिया के सबको दिया जाता पैसा। जो मिनिमम बेसिक इनकम था, मिनिमम बेसिक इनकम था, इसमें यही तो फीचर है कि भारत के जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं उनको पैसा मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो भिखारी हो, आप भारत के नागरिक हैं आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगी। ये होता है अगर कोई स्कीम यूनिवर्सल होती है तो। जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है उसने कहा है कि जो पहले मिलता था 10000 rupees हम लोग रिड्यूस करेंगे उसको, अब हम केवल 4000 rupees देंगे इस कालिया स्कीम के तहत, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे हमारे पास है दो न्यूज जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस कैन नेवर बी इंस्टेंट, ये कहना है सीजेआई का। उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस है इट कैन नेवर बी इंस्टेंट एंड इट वुड लूज इट्स करेक्टर इफ़ इट बिकेम रिवेंज। हमने देखा था कि जो हैदराबाद है उनके जो चार एक्यूज थे उनको मार दिया गया था इनकाउंटर करके, तो ये मतलब कि उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है। तो इस पर अगर सवाल आए GS4 में, इथिक्स में, कि क्या ये जायज़ है, अगर आपको ऐसा ऑर्डर मिलता है ऊपर से, अगर आप मान लो कि कोई SP हैं किसी ज़िले के, आपको मिलता है ऐसा ऑर्डर, तो क्या आप उसका पालन करेंगे, क्या आप इनकाउंटर करेंगे, क्या इथिक्स इन्वॉल्व हैं इस इनकाउंटर केसेस में, इन पर सवाल आते हैं, ठीक है ना, आ सकते हैं आगे आगे 2020 वाले मेंस में। तो आपको ऐसे बातें कोट करनी है जो बड़े लोग बोलते हैं ना, जस्टिस कैन नेवर बी इंस्टेंट एंड इट वुज लूज इट्स करेक्टर इफ़ इट बिकेम रिवेंज। जो जस्टिस है बदला नहीं होना चाहिए, मान लो कि कोई क्राइम हुआ है तो जो न्याय है वो बदले के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, आपको ऐसी बातें लिखनी है अपने आंसर में, तो इसको कोट को आप यहाँ पर जैसे कि लिख लीजिए अपने नोट्स में। एक बात और, हमने देखा था एक क्वेश्चन पानीपत वाला, उसमें आपने एक बात मेंशन करिए, देखा आपने, उन्होंने ये कहा जो मंत्री, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है इसको अवॉइड करें, अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पहले ही कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम है गवर्नमेंट का, आप लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा ये बात बोल करके किसी भी काम को रोक नहीं सकते। बस में आती है, मतलब कि मान लो कि कोई रैली निकलने वाली है, रैली निकलने का जो परमिशन है वो लेना पड़ता है जो DM है उनसे, तो जो सरकार है वो ये नहीं कह सकती कि रैली निकलने से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खतरे पड़ जाएगा इसलिए हम नहीं देंगे परमिशन। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, आपको देना पड़ेगा परमिशन, ठीक है ना, आप अपनी जिम्मेदारी से मतलब दूर नहीं हट सकते। यहाँ पर कहना था ये बात हमारे कोर्ट का, तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने जो आंसर हैं आगे उसमें कहीं जरूरत पड़े तो। अगला हमारा सवाल है हांगकांग कन्वेंशन पर, इट इज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट शिप्स बीइंग रिसाइकल्ड आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लाइफ डू नॉट पोज एनी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। जो शिप्स मतलब अपनी लाइफ खत्म हो गया, रिटायर हो गए हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। मेरे यहाँ पर पहला है जो सही है, ये जो जो शिप रिसाइकिलिंग है उन्हें संबंधित है क्या, हांगकांग कन्वेंशन। इंडिया जैसे कि हमारा जो कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने कहा है कि हम इसको अभी साइन करेंगे इस कन्वेंशन को। देखो कोई भी एग्रीमेंट पहले साइन होता है उसके बाद ये रेटिफाई होता है। जब आप इसे साइन करते हैं तब वो एग्रीमेंट आप पर अप्लाई नहीं होता, जब आप उसे रेटिफाई कर देते हैं तब वो एग्रीमेंट आप पर अप्लाई होता है, ध्यान रहेगा। इट इज़ अडॉप्टेड बाई IMO फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकिलिंग ऑफ शिप्स। यहाँ पर जो तीनों बातें हैं वो सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, इस ये जैसे कि एडप्ट किया था हमारे IMO के द्वारा ही। मेरा आंसर यहाँ पर है D। अभी तक ये फोर्स में नहीं है, अभी फोर्स में आएगा, इंडिया इसको साइन करने वाला है। अगला हमारा जो न्यूज़ है वो है यूथ बुक्ड अंडर UAPA आर माओइस्ट। यहाँ पर हमारा जो अनलॉफुल जैसे कि जो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है इसके बारे में पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको GS3 के तहत, ध्यान रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA हो गया, फिर FEMA हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो हमारा UAPA है, तीनों के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है अ क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल गो अ लॉन्ग वे इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं GR गवई, उन्होंने कहा है कैसे, अगर आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे जल्दी में तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा जल्दी में, और वहाँ पर जैसे कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगी, भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है वो जल्दी से हो पाएगा। मान लो कि दो पार्टी हैं, तो कंपनी है उसमें से एक ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे मुकर गया है, तो वो जाएंगे कोर्ट में फैसला जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होगा ये जल्दी से होगा और हमारा रैंकिंग बढ़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सवाल हमारा ये है, डच के बारे में, पुर्तगीज वगैरह के बारे में, एसआई वगैरह के बारे में, हु अमंग द फॉलोइंग रिड्यूस्ड टोबैको एंड काजू इन इंडिया। जो तंबाकू और जो काजू के जो क्रॉप थे भारत में, किन्होंने रिड्यूस किया, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये थे पुर्तगालियों ने, इन्होंने भारत में ये जो दोनों क्रॉप हैं उसको लाया। आंसर यहाँ पर है ए।
वो लोग भारत में जैसे कि बसे थे, गोवा है और उसके जो इलाके हैं आसपास, वहाँ पे जो पुर्तगाली थे इनमें, जैसे कि इनके जो मतलब थे ना ऑफिसर, इन्होंने प्रमोट किया कि जो लोकल वाइव्स हैं, जैसे कि जो भारत की महिलाएं हैं, उनसे शादी करें और यहाँ पर वो बसें, यहाँ पर वो आर्टिशंस, क्राफ्टमैन और जो ट्रेडर्स हैं उनके तौर पर बसे थे। अगला हमारा सवाल है पॉक्सो पर, सेवन हेल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट इन केरला। पॉक्सो होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसको 2012 में एनेक्ट किया गया था। सवाल हमारा बारे जैसे कि इसके बारे में ये है, द एक्ट डिफाइंस द चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। समस्या क्या है कि हमारे कैसा जो कानून है ना, वहाँ पर बच्चों का जो एज है वो अलग अलग है, कहीं पर आपको 16 साल मिलता है, जैसे कि हमारा था ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJA, वहाँ पर कई सारे हमारे जो एक्ट हैं पॉक्सो एक्ट, जहाँ पर बच्चों की एज 18 साल होती है मैक्सिमम। मेरे यहाँ पर पहला सही है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट से भी इस एक्ट में दिया जाएगा प्रोटेक्शन, इसके लिए कोई अलग लॉ नहीं है। मेरे यहाँ पर सेकेंड गलत है। इट पेनलाइजेज अ पर्सन फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज़, ये भी इसमें एक ऑफेंस है। मेरा थर्ड यहाँ पर सही है, आंसर आ गया 1 एंड 3। कहाँ गया जी, बी 1 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है ना, ये जो एक्ट है जनरल न्यूट्रल है, मतलब कि बच्चा मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, अगर उस पर ऐसा क्राइम होता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसमें रिलीफ और रिहैबिलिटेशन दोनों मिलेगा, ध्यान सुनना। और एक बात और, जो बच्चे हैं ना, बच्चे का इंगेजमेंट केसेस में काफ़ी कम होगा, उनको ऐसा नहीं कि पहले मतलब जैसे कि जो क्राइम है उससे जूझना पड़े और बाद में जो जस्टिस है उससे जूझना पड़े, ध्यान रहेगा। एक कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये हमारे हैं वैधानिक बॉडी मतलब कि स्टेचुरी बॉडीज़, किसके तहत, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत। यही वो कमीशन है जो इस एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करेगा, ध्यान रहेगा। चलिए अगला, हाँ यहाँ पर हमने सवाल भी दिया है एक, डिस्कस द की प्रोविजंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट, डू यू थिंक दैट एनी थिंग हैज़ चेंज सिंस द इनेक्टमेंट ऑफ पॉक्सो एक्ट इन 2012। देखो हमने इस स्लाइड में केवल पार्ट नंबर 1 को डील किया है, पार्ट नंबर 2 इसका आंसर आपको देना है। क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बदली हैं इस एक्ट के जैसे कि इसको इनेक्ट करने के बाद, आपका जो आर्ग्यूमेंट है आपके फेवर में या फिर डिसफेवर में उसको देना है, और आपके आंसर के अंतिम में देना है आपको वे फॉरवर्ड कि हाँ आगे और क्या होना चाहिए इस एक्ट को और इफेक्टिव से इंप्लीमेंट करने के लिए। अगला हमारा सवाल है प्रीलिम्स 2011 का, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट, बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अगर आप मलक्का स्ट्रेट को डीप करेंगे तो क्या दूरी कम हो जाएगी, ओपनिंग अ न्यू कैनाल अक्रॉस द क्रा इस्थमस बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। देखो ये है गल्फ ऑफ सियाम, ये है अंडमान सी, ये है इस्थमस ऑफ क्रा, एक पतला सा लैंड, जैसे कि अगर किसी दो बड़े वाटर बॉडी को मतलब कि अलग अलग करता है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस, ISTHAMUS। अगर यहाँ पर हम काट के एक कैनाल बना दें तो हम अंडमान सी से जो सी ऑफ सियाम है वहाँ जा सकते हैं आराम से, गल्फ ऑफ सियाम जा सकते हैं आराम से। गल्फ़ क्या होता है, गल्फ़ वो वाटर बॉडी होती है जो जो तीन तरफ से घिरी होती है लैंड से, है ना, गल्फ ऑफ सियाम हो गया, जो हमारा गल्फ ऑफ ओमान हो गया, समझ रहे हो ना, तो ऐसे बातें होती हैं। तो ये क्या होता है, अगर आप इसमें सफ़रा को काट के बना देंगे कैनाल तो क्या होता है, वहाँ पर जो सुविधा है वो मिल जाएगी। जो डीपनिंग है स्ट्रेट का, इससे इंक्रीज होगा वॉल्यूम का जो बिजनेस है, जैसे कि जो शिप्स हैं उनका, मगर कोई डिस्टेंस कम नहीं होगा, इसीलिए जो डिस्टेंस है उसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड मेरा पहला यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगला हमारा सवाल है स्कालिन पर, तीन बातें दी हैं हमने, इट इज़ रशियाज लार्जेस्ट आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ जापान, एंड यू पीपल आर वन ऑफ इट्स इंडिजीनियस हैबिटेट। देखो ये आपको दिख रहा है ये वाला स्कालिन, ये जापान के उत्तर में है, किस में है, जापान के नॉर्थ में है, तो मेरा यहाँ पर 2 तो सही है ही, 2 मेरे चारों में आ गया। ये जो स्कालिन है वो रशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, मेरा पहला यहाँ पर सही है। जो एनू पीपल हैं वो इसी आइलैंड में पाए जाते हैं, मेरे यहाँ पर थर्ड भी सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है स्कालिन, ये है सी ऑफ ओक्सोक्स, ये दिख रहा है, यहाँ पर है तारतारा स्ट्रेट। तारतारा स्ट्रेट वो स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट वो छोटे वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ती है, ये हमारा हो गया बड़ा वाटर बॉडी, यहाँ मेरा हो गया यहाँ पर बड़ा वाटर
वाटर बॉडी, इसको जोड़ रहा है क्या? टाटा स्ट्रेट। चलिए अगला हमारा न्यूज़ है, मसल्स आउटब्रेक्स कंटिन्यू अनअबेटेड, ये कहना है WHO का। मसल्स, मिजल्स क्या होता है? ये वायरस होता है जो फैलता है उन बच्चों में जो जिनको वैक्सीन नहीं मिला है। रूबेला वायरस, इट इज़ द प्राइमरी काउज ऑफ कंजेंटियल रूबेला सिंड्रोम, जिससे होते हैं अबॉर्शन और जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो। तो जो रूबेला मिजल्स होता है, इस पर सवाल आ सकता है। देखो हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, इन पर UPSC सवाल पूछता रहता है, ये इसका फेवरेट टॉपिक है। इंडिया ने मिजल्स रूबेला कैंपेन लॉन्च किया है इन बीमारियों को दूर करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए। तो ये न्यूज़ थी पेज नंबर 9 पे 8 दिसंबर के। ठीक है दोस्तों, तो डिस्कस किया हमने आज 8 और 9 दिसंबर के MCQs। अगर आपने कुछ सीखा हो नया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।